हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव योर लुक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज आप लोगों के लिए मैं साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो लेके आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की साड़ी है, नेवी ब्लू कलर की साड़ी है और बहुत ही अच्छा लुक आया है इसमें। मैंने आपको इसमें बहुत इजी तरीके से साड़ी पहनना बताया हुआ है। जिनको साड़ी पहनना नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, वो सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो, आपको एक बार मैं पूरी साड़ी अच्छे से दिखा देती हूँ और कमेंट करके जरूर बताना आपको साड़ी कैसी लगी। तो अभी मैंने फर्स्ट राउंड टक कर लिया है और आपको बता दूं कि ये साड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है और इसको टाइटली ही टक करना है, तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया है और इसको अच्छे से टक कर ले रही हूँ। इसका प्लीट्स बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सारे प्लीट्स बनेंगे। तो ये पल्लू वाला पार्ट पहले रफली पकड़ के ही मैं पीछे से घुमाते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखूँगी। और जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो सबसे पहले पल्लू के प्लीट्स ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे साड़ी पहनना ईजी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पल्लू के प्लीट्स बना लेते हैं तो जो साड़ी एक्स्ट्रा बच जाती है उसको आप सामने वाले प्लीट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सामने के प्लीट्स पहले बनाते हैं तो और पल्लू वाला बाद में, तो उतने अच्छे से पल्लू एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए पल्लू के प्लीट्स बना लेते हैं। और पल्लू के प्लीट्स बनाते टाइम मैं दो फिंगर का यूज़ करती हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। और इससे बहुत ईजी और बहुत एक सारे प्लीट्स एक बराबर से बन जाते हैं। अगर आप कोई और टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें छोटे बड़े प्लीट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। सो आप ऐसे ही प्लीट्स बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत स्लो स्लो बताया हुआ है जिससे आप लोग समझ सकें। प्लीट्स बनने के बाद वन बाय वन करके सारे प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके लिए इसका प्लीट्स अरेंज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही इजीली हो जा रहा है। और जो दूसरी साड़ियाँ होती हैं, जैसे कि सिल्क की साड़ियाँ, थोड़ा सा टफ होता है, बट ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पहन लिया है। प्लीट्स बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। और पल्लू की लंबाई आप पर डिपेंड करता है, आपको कितना पसंद है। तो अभी मैंने इसको एक सेफ्टी पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। आप देख सकते हैं पिन आपको अच्छे से ही लगाना है जिससे नीचे के प्लीट्स इधर उधर ना हो। और पल्लू की लंबाई आपने देख ही ली कितना लिया हुआ है। अभी बाकी प्लीट्स को मैं वन बाय वन करके अच्छे से फिर से अरेंज करूँगी, क्योंकि इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी पिन लगाने के बाद भी। तो अभी अच्छे से सेट हो गया है, चलिए बनाते हैं सामने के प्लीट्स। एक बार मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा प्यारा यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ रहा है। ये साड़ी पर आना ज़रूरी होता है, जो थोड़ा सा बॉर्डर हो वो कमर पर आए तो साड़ी का लुक अच्छा लगता है, साड़ी की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको टाइटली खींच के एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। इस तरीके से भी साड़ी आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइट यहाँ पे है, इसीलिए ये अच्छा लगेगा। और चलिए अभी सामने के प्लीट्स बना लेते हैं। प्लीट्स बनाने का टेक्निक मेरा वही है दो फिंगर से, क्योंकि वीडियोस मेरे बिगनर्स के लिए जाते हैं जिनको साड़ी पहनना नहीं आता है। सो इस तरीके से आप सारे सारे प्लीट्स बना लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इस साड़ी में बहुत सारे प्लीट्स बनेंगे जिससे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सो सारे प्लीट्स बन चुके हैं। और जब भी आप प्लीट्स बनाते हैं तो ध्यान रखें कि ऊपर वाला प्लीट्स थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैं एक एक प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कोई प्लीट्स अंदर ना रह जाए। और जब अच्छे से प्लीट्स अरेंज हो जाए तो आप बेली बटन के सामने टक कर लेना, और आप चाहें तो थोड़ा सा राइट जाके टक कर सकते हैं। तो मैं बेली बटन के सामने टक करके एक सेफ्टी पिन से पेटीकोट और साड़ी के प्लीट्स को लेते हुए इसको सिक्योर कर रही हूँ, जिससे ये खुलेगी नहीं। और अभी मैंने साड़ी पहन लिया है। सो ये रहा साड़ी का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो सारी ड्रेपिंग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको वहाँ से हेल्प मिल सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।